जनाब, जिस रज़ाई को हम रात को ओढ़ के सर्दियों में सोते हैं, सुबह उठते ही उसकी कदर कम हो जाती है। उसको लपेट कर उसकी जगह रख दिया जाता है। जिस टी शर्ट को हम गर्मियों में पहनते हैं, सर्दियां आते ही उसकी भी वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट कम हो जाती है और हम उसकी जगह गर्म कपड़े पहनने लगते हैं। सुबह होते हम जिस स्वेटर को डालते हैं, रात होते ही उसको उतार कर रजाई लेके सो जाते हैं, उसकी भी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाती है। लग्जरी से लग्जरी, महंगी से महंगी गाड़ी, जब हम उस चीज़ उस मुकाम तक पहुंच जाते हैं, उसकी भी वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इन सब बातों को कहने का सावे की मतलब है कि ज़िंदगी में जो कदर है, जो वैल्यू ऑफ रिस्पेक्ट है, वो समय की है, इंसान की नहीं। इंसान बिल्कुल भी इसको अपनी रिस्पेक्ट ना माने, अपना ओहदा ना माने और घमंड करना स्टार्ट हो जाता है कि मेरा फलाना वो है, मैं फलाना हूँ, मैं उस पोस्ट पे था, मैं इस पोस्ट पे हूँ, जब मेरे पास जे है समय और समय की चाबियाँ सिर्फ प्रभु के पास है। कभी घमंड मत करिएगा भूल से भी। इंग्लिश के वर्ड को, उसकी प्रोनाउंसिएशन को, ट्राई को ट्राई या फिर और तरीके से बोलने से सब कुछ नहीं होता। जो चाबियों का बंजारा है वो एक ही है। घमंड गलती से भी मत करिएगा, क्योंकि वो जो हो सकता है कब आपकी चाबी घुमा दे और आप ऊपर से नीचे आ जाए। प्यास से रहिए, झुक कर रहिए, इंसानियत को बरकरार रखिए। साथ कुछ नहीं जाना, सब जही का सौदा है, जही लेके खा पी के, जही छोड़ के जाना है।